इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मियों को पुलिस में शामिल करने का फैसला किया गया है। अब पुलिस के साथ निगम कर्मी भी आपराधिक वारदात को रोकने में कारगर साबित होंगे। लगातार बेहतर कानून व्यवस्था, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस तकनीक के स्तर पर और संसाधनों के स्तर पर बेहतर तो कार्रवाई कर ही रही है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार ज़्यादा सदैश के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको और गहनतम स्तर तक ले जाने के लिए पुलिस ने बाकी सभी विभागों से बेहतर समन्वय के लिए संवाद भी बेहतर किया है। समान तौर पर देखा गया है कि सुबह जब सबसे पहले कई जगहों पर हमारे जो सुबह सफाई कर्मी हैं वो पहुँचते हैं, और कई बार कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे, जैसे कि कोई सांप्रदायिक कोई मुद्दा हो सकता है, कोई अपराध से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, कई बार बाइक की चोरी का हम लोगों ने देखा, तो कई बार सुबह के मामलों में सुबह के अवसर पर 4 से 6 बजे के बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने तय किया है कि सुबह जो सबसे पहले पहुँचता हो उसको इन घटनाओं की कई बार थोड़ी जानकारी रहती है, लेकिन सीधा संवाद न होने के कारण वो इन जानकारी को संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं उनके काफ़ी बड़ा अमला जो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास जो सड़कों पर निकलता है, उनके साथ स्थानीय थाना क्षेत्र में उनके साथ एक संवाद और साथ ही साथ नंबर्स का आदान प्रदान, ताकि बेझिझक वो अगर कोई समस्या है तो उसको पुलिस तक बता सकें और इस सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। पुलिस ने लगातार कई गैंग्स को पकड़ा है, मोटर वाहन चोरों के कई गैंग्स को भी पकड़ा है, लेकिन इस तरह की सूचना के आने से और सूचना का प्रवाह बेहतर होगा और पुलिस और ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्रवाई कर पाएगी। इसमें सुबह जो निगम कर्मी सफाई कर्मी, इसमें सूचना अगर मिलती है, उनको इस तरह की सूचना दिखती है, तो समान तौर पर पहले वो इस सूचना से अप्रभावित रहते थे, उस सूचना को ट्रांसफर नहीं करते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा सक्रिय ढंग से ऐसी सूचना को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में करेंगे, चूँकि उनका एक संवाद बेहतर होगा, उनका लगातार कम्युनिकेशन होगा, इस तरह की बैठकें होंगी, तो इससे पुलिस के पास सूचना तंत्र और बेहतर होगा, क्योंकि सूचना का प्रवाह आज के समय में सूचना ही शक्ति है, और सूचना का प्रवाह जितनी तेज होगा, जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जितने अलग अलग माध्यमों से इन्फॉर्मेशन रहेंगे, आप बेहतर ढंग से सटीक कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ भी पुलिस ने एक बेहतर संवाद और सहयोग इसमें स्थापित किया है और निश्चित तौर पे कई जगहों पे इसके भी बेहतर परिणाम आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।